हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 17,278 पे बंद हुआ है, लगभग 12 पॉइंट नीचे फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है डाउन फॉर द मंथ, 84 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है फॉर दिस मंथ। और यहाँ जो है तो हमने अच्छे खासे वोलेटिलिटी देखी है, दोनों तरफ के मूव आते हुए देखे हैं, फिर भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। लास्ट मंथ जो है तो हम लगभग 50 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हुए थे, इस मंथ भी हम जो है तो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टर माल बेच रहे हैं अपना, और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और यहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म करेक्शन आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक जो है तो निफ्टी लगभग 78 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। पिछले वीक जो है तो हमने लगभग 170 पॉइंट का लॉस देखा था, इस वीक जो है लगभग 80 पॉइंट का लॉस के साथ हम बंद हुए हैं, लगभग हाफ परसेंट नीचे। ये जो है तो लगभग ये दूसरा हफ्ता है निफ्टी के लिए लॉस के साथ बंद होने का। और यह जो है तो शायद हम अगले हफ्ते जो है तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन आते हुए देख सकते हैं निफ्टी में, जो लेकर जाएगा निफ्टी को शायद 16,700 से लेकर 16,500 के लेवल की तरफ। 16,450 पे जो है तो इसका लगभग 50 वीक का एवरेज आता है। और ऊपर की तरफ देख सकते हो आप कि जो 20 वीक का एवरेज है 17,400 के अराउंड है, तो वहाँ अच्छा खासा सप्लाई आ जाता है मार्केट में। तो यहाँ क्लियरली हम जो है तो एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी वीक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हर एक बाउंस बैक जो है तो उसमें सेल ऑफ हो रहा है। तो यह आपको फोकस करना है 17,400-17,500 के लेवल पे। उस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो आपको सेल करके चलना है। नीचे जो है तो मुझे लगता है कि हम जैसे 16,950 का लेवल तोड़ देंगे उसके बाद में जो है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होगा, और हम जो है तो 16,700 से लेकर 16,450 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए देख सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो एक अच्छे खासे रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, रेंज बहुत ही बड़ी है। नीचे जो है तो 16,800 है, और ऊपर जो है तो 17,800-17,500 की जोन है। यहाँ जो है तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ के ट्रेड आते हुए देखे। यहाँ हमने इस वीक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया था, वहाँ से रिकवरी आई और बाउंस बैक अभी जो है तो फेल हो रहा है। ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि यह हमारा व्यू जो रहेगा वो सेल ऑन राइज रहेगा। तो आपको जो है तो ऊपर के लेवल पे मार्केट आता है तो सेल करके चलना है, नहीं तो स्टॉप लॉस। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा ट्रेड रहेगा आपको निफ्टी सेल करना है 300-350 के लेवल पे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 550 के ऊपर। और टारगेट रहेंगे आपके, मेरा जो टारगेट रहेगा इसका बड़ा सा वो रहेगा 16,950, उसके बाद में 16,750। तो इन दो टारगेट के लिए हम जो है तो निफ्टी को सेल करके चलेंगे। और यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू कंटिन्यू रहेगा, 300-350-400 के लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है तो हम सेल करके चलेंगे। 16,950-16,750 ये दो टारगेट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो इन द मनी पुट ऑप्शन पे एक्युमुलेट कीजिए, जैसे बाउंस बैक आता है मार्केट में वैसे आप जो है तो 17,400 का जो पुट ऑप्शन है उसमें एक्युमुलेशन करना शुरू कर दीजिए। उसमें स्मॉल स्मॉल लॉट्स में, अब अगर आप 5-6 लॉट में काम करते हो तो 3 ही लॉट लीजिए, मगर उसमें एक्युमुलेशन करना है। डिप्स पे बाय कीजिए, उसका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 17,550 पे। अगर फ्यूचर जाता है तो आपको उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन 16,950-750 पे जाते हैं तो उस ऑप्शन में हमें 2x-3x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर के जैसे कमाई कर सकते हो आप थ्रू द ऑप्शन। सिर्फ यहाँ जो है तो एक्सपोजर छोटा रखना है, मगर आपको इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस करना है और उसमें एक्युमुलेशन करना है ऑन द डिप्स। तो यहाँ हमने कल भी देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिया था, मगर ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये शायद कम से कम नेक्स्ट 2-3 मंथ चलेगा। तो जैसे हम 16,730 का लेवल तोड़ देते हैं तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, जो लेकर जा सकती है उसको लगभग 14,600 के लेवल की तरफ। अगर ये लेवल टूट जाता है तो
जो है 200 डेज एवरेज, और 200 डेज एवरेज को आपको वॉच करना है। ये जैसे टूटेगा हमें लगभग 1000 से 1500 पॉइंट का फॉल निफ्टी में देखने को मिलेगा। मगर यहाँ एक दिक्कत की बात ये रहेगी कि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ आपको उस तरह से आपका जो रिस्क है उसको ट्यून इन करना पड़ेगा। पोजीशन साइज छोटी रखिए, एंट्री लेवल जो है तो बड़े रखिए, अगर आपके एंट्री पे आता है तो ही एंटर कीजिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ जो है तो मार्केट दोनों तरफ के ट्रेडर को किल करने की कोशिश करेगा, मगर आपको एक साइड पिक करनी पड़ेगी, और मैंने वो साइड पिक कर ली है, वो बेयरिश साइड है। मैं सेल ऑन राइज व्यू रखूँगा जब तक मार्केट जो है तो 17600 के नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है तो कोई भी बाउंस बैक झेल पाएगा, और उसके बाद में जो है तो हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी और नीचे के लेवल ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको लेवल पे बेचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर सपोर्ट के पास आता है तो बाउंस बैक का वेट करना है। जैसे हमने यहाँ देखा था, ये जो है तो यहाँ सपोर्ट पे आया था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आया, फिर एवरेजेस को टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट जो है तो नीचे गिर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ जो है तो मार्केट के लिए बहुत ही दिक्कत भरे रह सकते हैं, और ये रशिया और जो US का टेंशन है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है तो मार्केट को अफेक्ट करेगी। और मोस्टली जो है तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, तो आप वो ऑलरेडी देख रहे हो जिस तरह से स्टॉक फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने पहले भी कहा था कि जिन्हें भी प्रॉफिट है, जिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। जिन्होंने रखा होगा उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ गए, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपको फिर से जो है तो नीचे के लेवल पे करने को मिलेगा। जिस तरह से स्टॉक फॉल हो रहे हैं, मुझे नहीं सरप्राइज होगा कि स्टॉक जो है तो 70-80% डाउन हो जाए नेक्स्ट 1 to 2 years। तो यहाँ जो है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और यहाँ मेरा सेल ऑन प्राइस भी रहेगा। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।